एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक के बारे गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी, जबकि मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसीओसी ने रमजानुल मुबारक के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, सबा वजीर से जान लेते हैं। सबा बताइएगा। आज बिल्कुल, एनसीओसी ने रमजान मुबारक के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है और गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज तरावी के लिए है और सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज सिर्फ अदा नहीं होगी। तरावी का अहतमाम मसाजिद इमाम बारगाह के हाथ में किया जाएगा। शहरी सड़कों फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। एनसीओसी की गाइडलाइन के मुताबिक मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर भी पाबंदी होगी और नमाजी हजरात घर से वजू करके मस्जिद इमाम बारगाह आएंगे और नमाजी वजू करते और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे और तमाम एसओपी पर अमल किया जाएगा। 50 साल से ज्यादा उम्र और बच्चों को ये तमाम तर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया सब आपका।